की समीक्षा। उत्तर प्रदेश में काबिज योगी आदित्यनाथ सरकार की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद महोबा पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में पूर्व में काबिज रही अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर पदाधिकारियों से औपचारिक भेंट वार्ता की। उड़न खटोली से जनपद महोबा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पुलिस लाइन स्थिति हेलीपैड में केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचने के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर भाजपा जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। इसके बाद प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचकर कर बीजेपी पार्टी के सदस्यों को संबोधित किया। इसी के साथ ही उन्होंने मुख्यालय के बौद्ध मठ पहुंचकर भगवान बुद्ध के दर्शन किए हैं। साथ ही साथ पान की खेती का निरीक्षण कर पान किसानों की वार्ता है। इस मर्तबा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का महोबा द्वारा काफी व्यस्त रहा। कलेक्ट्रेट सभागार में लघु एवं बड़े उद्यमियों के साथ बैठक के साथ ही जनपद में काविज ऑफ स्क्रीन के साथ भी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। जनपद महोबा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ तकरीबन 11 बजे हुआ था। इसके बाद देर शाम 45 बजे के बाद अन्य जनपद रवाना हो गए। कुशवाहा जी और कुशवाहा महासभा के लखनऊ से ब्रजेश जी यहाँ पर आ गए हैं और हमारे की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान पढ़ने टीवी में देखते होंगे जिनकी हैसियत बिना मोदी जी के दो सांसद जीतने की नहीं थी। मतलब बिहार में दो सांसद जीते थे श्री नीतीश कुमार जी और वो प्रधानमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन चमक रहे थे। मेरे आदर और सम्मान के प्रतीक, इसलिए मैं जब भी आता हूं तो पहले मुझे कार्यालय ही जाना है और उसके बाद ही बोलना है। और अच्छी बात यह है कि अब जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है और आज आप सब उत्साह से लबरेज हैं। यह भी मैं देख संदीप कुमार।